Very good morning, dear student. Welcome to your physics class. Today we are just going to solve the Ncert numerical from your chapter forces and laws of motion. So question number 16 hai, statement padhte hain. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly. Word likha hai accelerated uniformly from a speed from a velocity 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial momentum and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. Okay, this is the question. So आइए समझते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक object है. This is the object. इसका mass कितना ले लिया हमने? 100 kilogram. तो हमने लिख लिया m is equal to 100 kilogram. इसकी velocity, initial velocity, let us suppose initial velocity कितनी दे रखी है हमें? 5 meter per second. अब इसके ऊपर अब हमारी initial velocity दे रखी है. Initial velocity जब दे रखी है तो हम ये कहते हैं कि अगर इसके ऊपर एक फोर्स लगती है, लेट अस सपोज वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, हमने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया. तो आप समझिए फोर्स लगाने से क्या होगा, किसी चीज को अगर हम फोर्स लगा दें तो उसकी वेलोसिटी क्या सेम रहती है? नहीं रहती, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. तो हमने कहा लेट अस सपोज इट्स वेलोसिटी बिकम, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? हमने मान लिया वी, वी कितनी है आपकी? 8 मीटर पर सेकंड. और कितना टाइम लगा बेटा यहां से यहां तक? टी इज इक्वल टू 6 सेकंड्स. क्लियर. अब उसने पूछा है कि इनिशियल मोमेंटम, यानी इनिशियल, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन थी. तो pi जो हमारा होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? mu के बराबर हो जाएगा. और p जो हमारा f है वो किसके बराबर हो जाएगा? mv के बराबर हो जाएगा. मास कितना है बेटा यहां पर आपका? मास 100 किलोग्राम है. साथ में अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वो कितनी है आपकी? 5 है. यहां पर हमारा मास सेम रहेगा और वेलोसिटी कितनी है बेटा? 8 है. तो यहां से कितना आएगा? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. और यहां पर कितना आएगा? 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. क्लियर. अब उसने पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट एज पर न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? न्यूटन सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ आपका होता है एम v माइनस यू डिवाइड बाय टी. ओके, यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आएगा? एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाय टी. क्लियर. और यहां से हमारे पास कितना आएगा? पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाय टी. एक्यूरेट. तो यहां पर आप समझिए कि यहां पर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है. तो फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा वो कितनी आएगी? 800 माइनस 500 डिवाइड बाय टाइम कितना है बेटा? 6. क्लियर. कितना है? 6. तो कितना आ जाएगा आपका? 300 बाय 6. तो कितना आएगा बेटा? 50 न्यूटन. कितना आंसर आ रहा है बेटा? 50 न्यूटन. क्लियर हो रही है बात? 50 न्यूटन आ रहा है बेटा. 50 न्यूटन नोट डाउन करेंगे इस चीज को. आंसर हमारा कितना आया? 50 न्यूटन. तो पहला आपका क्या था? इनिशियल मोमेंटम निकालना था. दूसरा फाइनल मोमेंटम निकालना था. तीसरा क्या निकालना था बेटा आपको? यहां पर हमें फोर्स निकालना था. ये हमारा एफ हो गया जो कि हमारा कितना है? 50 न्यूटन. ओके बेटा, नोट डाउन करें इसको. थैंक यू वेरी मच.